बोलो बालाजी सरकार की जय। आदिप सी विशाल मेला एवं संगीत में श्रीमद भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन, दिनांक 24 अप्रैल 2022 रविवार से 30 अप्रैल 2022 शनिवार तक। चमत्कारिक दिव्य दरबार दिनांक 25 एवं 26 अप्रैल 2022। कथा व्यास श्री श्री 1008 बागेश्वर धाम सरकार। स्थान श्री हनुमान धाम कादीपुर जिला दमोह मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की, जो कि नगर कोतवाली अंतर्गत तीन गुल्ली से सामने आई है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ है। बताया जाता है कि भरत यादव, जो कि युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उनका परिवार यहां निवासरत है। साथ ही उनके सामने एक पटेल परिवार रहता है। दोनों ही परिवार के सदस्य आमने सामने हो गए, चार से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि एक छोटे से कारण ने विवाद का बड़ा रूप ले लिया। दोनों पक्षों में जमकर डंडे चले हैं, चार से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा, हालांकि मौके पर पुलिस नहीं पहुंची, नहीं तो इतना बड़ा विवाद नहीं होता। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, किस तरह से घटना हुई है। गाली गलौच होता रहा, दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए।
घटना में पटेल परिवार के 4 सदस्यों को विशेष चोट आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घायलों में एक महिला भी शामिल है। क्या कहता है पटेल परिवार, आइए सुनते हैं। तो मेरे भाई ने मोहित पटेल ने पत्थर उठाया वापस। टिफिन पूछे क्यों पत्थर उठाया, तो थोड़ी सी बात पे से झगड़ा हो गया, तो उनने मारपीट चालू कर दी। तो पहले तो शांत हो गई थी मारपीट, उसके बाद फिर और विवाद बढ़ गया। तो सब जन को उनने मारा पीटा, हमारे भाई लोग को, हमारी दादी को, भैया लोग को, बहुत मतलब 7-8-10 जन लोग थे वो, भरत यादव, आनंद यादव और उनके भाई लोग थे, भनैन लोग थे। पहले से कोई बुराई वगैरह थी क्या? हाँ, पहले से ही बुराई बुराई चल रही है। जगह के पीछे मतलब कब्जा करे हैं वो लोग, किराएदार हैं, यहाँ के नहीं हैं वो, किराएदार हैं, किराए से आए थे, तो उनने वहीं पे अपना डेरा डाल लिया, कोई जा नहीं रहा। और उसके पहले भी लड़ाई होती रही है, और हम लोग के गेट पे भी वो कब्जा करे हैं, दरवाज़ा खोलने नहीं दे रहे हैं, नहा नहीं बनाए हुए हैं अपने, इस वजह से विवाद चलता है। मतलब जो वो भरत यादव है, सुना है कोई बीजेपी का कुछ है, वो प्रत्याशी है, अध्यक्ष वगैरह, तो थोड़ी और उस वजह से वो उड़ रहा है यादव। आपका क्या नाम है? मेरा साहिल पटेल। और ये जो घायल हुई अम्मा दादी? जी दादी जी है मेरी, गोमता भाई, गोमता भाई जी। गोपाल पटेल को लगी है चोट, पप्पू पटेल को, मेरे भाई हैं वो, गोपाल पटेल हाँ, और पप्पू पटेल और नंदू पटेल, मतलब चार लोग हैं। चार लोग हैं। कहाँ रहते हो आप लोग? तीन गुल्ली चौराहा, छोटी देवी खेर माता मंदिर। तीन गुल्ली खेर माता के रहने वाले हैं। क्या हो गया? विवाद हो गया। किस बात को लेके? अरे भतीजी है, वो गाय को नहा रही थी, तो वो बोलने लगे कि यहाँ नहीं नहवाओ, रोड पे नहवा रहे थे, उसी पे से विवाद हो गया। जान से मारने की धमकी देते रहते हैं, जब देखो जब आए दिन लड़ाई। कौन है वो लोग? आनंद यादव, भरत यादव, बीजेपी का कार्यकर्ता है वो, ज़्यादा नेतागिरी करता है। नेतागिरी में लड़के बुलाए उसने आम चौपरा के, और मारपीट शुरू कर दी, और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। 4-5 जनों को घायल किया है। क्या नाम है जो घायल है? हमारे परिवार ही के हैं, सजल पटेल है, गोपाल पटेल हैं, और हमारी माता राम हैं। लोगों को आपका क्या नाम? और पिताजी को जानने से मारने की धमकी दी है आनंद यादव ने, भरत यादव ने, कि उसको जान से मारेंगे। आपका क्या नाम? हमारा नाम कमल पटेल। जो भी मैंने मीडिया के माध्यम से ये खबर देखी कि जो चल रही है वो सरासर निराधार है। मेरी अभी कल ही माताजी शांत हुई हैं, तो सभी आसपास में मित्र और रिश्तेदार बैठने आ रहे थे। बाजू में एक परिवार के यहाँ फर्सी रखी थी, तो मेरे जो बैठने आ रहे थे उनकी गाड़ी से वो फर्सी टूट गई, तो वो उनको गाली गलौज देने लगे और उनको माँ बहन की गाली देने लगे, तो उन दोनों में बहस हुई, तो वो उनके साथ मारपीट करने के लिए चालू हुए। तभी मैं आके मैंने बीच बचारा किया और उन सबको अलग अलग किया, और उन्हीं के लोग ऊपर से पत्थर मार रहे थे जो उनकी माताजी और उनके परिवार को लगे, और मेरे रिश्तेदारों को भी उन्हें मारा। चूँकि उनको मूंदी चोटें आई, तो वो बाहर से आए थे, तो शर्मिंदगी वो रिपोर्ट करने नहीं गए। और जो गुंडागर्दी की बात है, मेरी माताजी अभी कुछ ही दिन पहले शांत हुई, मैं गुंडागर्दी क्यों करूँगा? और थोड़ा सा आजू बाजू में फर्सी टूट गई, तो फर्सी के लिए उन्हीं ने उन लोगों को अपशब्द किए, बीच बचाओ मेरा ऐसा बयान है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।